Hello everyone and welcome to this platform of ours that is Pendulum EDU and we are here for the vocabulary session. आज इस vocabulary session में हमने जो आपके लिए article लिया है that is based on the China apps ban. If you see right here, okay, you can have a look at it here. And it says control not delete on China apps ban. So it says control and not delete it. Now what actually it means we will discuss it here and I hope that you are continuously practicing the vocabulary thing, the synonyms, antonyms thing that we discuss every day here, right? And I hope you're making note of things, and if yes, do not forget to hit the like button and subscribe the channel. All right, let's talk about it. How to control it? Let's check. First of all, on China apps ban. Ban is a noun, okay, and it can also be used as a verb. Now there are different ways. A word can be of can act as a different part of speech, okay, or more than one part of speech, and then its usage in a sentence differs. Now here it's a noun, and as a noun it means a restriction. Okay, जिसे आप कहते हो कोई बंधन लगाना, कोई रोक किसी चीज पर, वो बैन. वर्ब एक्शन है तो इसका मतलब हो गया टू रिस्ट्रिक्ट. तो ये रोक है और ये रोक लगाना है, तो वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है और नाउन की तरह भी यूज हो सकता है. मूविंग अहेड, डिस्पाइट प्राइवेसी इश्यूज विद मेनी एप्स लिंकिंग देम टू नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स इज प्लुरल. नाउ डिस्पाइट दिस, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि आपने देखा यहाँ पर जनरली हमारे मुंह से क्या निकलता है, डिस्पाइट ऑफ, राइट? रिमेंबर दिस गाइज, दैट इन स्पाइट ऑफ इज इक्विवेलेंट टू डिस्पाइट, बट यू डोंट यूज डिस्पाइट ऑफ, यू आर नॉट विलिंग टू यूज, और यू आर नॉट गोइंग टू यूज, और यू आर नॉट अलाउड टू यूज ऑफ विद डिस्पाइट. इट इज यूज ओनली विद इन स्पाइट ऑफ. Despite privacy issues with many apps, linking them to national security concerns is puerile. Now, puerile is an adjective, and it is saying कि उसको इससे link करना is immature, व्यर्थ है, like बेकार है, या आप कह सकते हो अपरिपक्व, या आप simple words में कहें व्यर्थ. It's like useless और immature है, childish है, बचपना होगा, right? इसको आप childish भी कह सकते हो, बचपना होगा अगर हम ऐसा करेंगे, अगर उसको हम नेशनल सिक्योरिटी से लिंक करते हैं. साइजिंग कंसर्न्स टू बोथ डेटा सिक्योरिटी एंड नेशनल सॉवरेनिटी. ना सॉवरेनिटी इज नाउन एंड नेशनल सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का मतलब होता है जो कि एक नेशन की सिक्योरिटी होती है, या आप कह सकते हैं दी यू कैन से द सिक्योर टर्म्स, ओके, उसकी बात करें तो वो कह रहे हैं साइटिंग दोनों कंसर्न्स की बात करें, अगर डेटा सिक्योरिटी और नेशनल सॉवरेंटी की, मतलब आपस में जो उनका जो दोनों का जो बीच में जो सिक्योरिटी बेसिस पर जो रिलेशनशिप है. द इंडियन गवर्नमेंट इन जून 29 अनाउंस इट वुड ब्लॉक 59 वाइडली यूज एप्स मोस्ट लिंक्ड टू चाइनीज कंपनी. सो ये उन्होंने अनाउंस किया है. दीज इंक्लूड द पॉपुलर वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग ऐप टिकटॉक, अ मोबाइल ब्राउजर कॉल्ड यूसी ब्राउजर ब्राउजर एंड अ फाइल शेयरिंग ऐप कॉल्ड शेयरिट. वॉट इज कॉमन टू ऑल थ्री इज देयर वाइड यूजर बेस इन इंडिया. भाई बहुत बड़ा यूजर बेस है, बहुत से लोग हैं इंडिया में जो इन ऐप्स को यूज़ करते हैं, इसलिए वो इसको बैन करना चाहते हैं. विद ईच क्लेमिंग मोर देन 100 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स एंड देयर ओरिजिन्स इन चाइना. एक्सप्लेनिंग द बैन, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइटेड. नाउ साइटेड इज अ वर्ब, साइट का मतलब होता है टू स्टेट, कोई चीज कहना या बताना. द इमर्जेंट नेचर ऑफ थ्रेट्स पोस्ट बाय द एप्स एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल that they are engaged in activities prejudicial to sovereignty and integrity of India. Now, sovereignty मैंने आपको बताया, prejudicial is an adjective. इसका मतलब होता है harmful. ये adjective है,
हार्मफुल, हिंदी में कह सकते हो आप हानिकारक। ठीक है, ये हमारे किसके लिए हानिकारक है? सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी नाउन है, इंटेग्रिटी का मतलब होता है जो ऑनेस्टी है, जो हमारी कंट्री का जो नेचर, या आप कह सकते हो जो इन डीप इनसाइड जो उनका नेचर, ठीक है, उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, उस ऑनेस्टी को, उस प्योरिटी को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर, तो ये सब चीज़ों को वो हार्म कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द एप्स अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री हैड बिन रिपोर्टेड फॉर स्टीलिंग एंड सरप्टिशियसली ट्रांसमिटिंग यूजर्स डेटा। सरप्टिशियसली इज एन एडवर्ब लर्नर, और इसका मतलब होता है सीक्रेटिवली, मतलब छुपा कर कोई काम करना। तो क्या कर रहे हैं वो? यूजर डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं इन अनऑथराइज मैनर टू सर्वर्स विच हैव लोकेशंस आउटसाइड इंडिया, और आउटसाइड इंडिया उसको ट्रांसफर भी कर रहे हैं। दिस इम्पिंजेस अपॉन द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, और ये इम्पिंज कर रही है, ये वर्ब है। इम्पिंज मीन्स इट इज बाउंसिंग ऑन, और इट इज कमिंग ओवर, और इट इज हार्मिंग द सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, देयर इज इंडीड अ स्ट्रॉन्ग केस टू बी मेड टू मोर स्ट्रिक्टली रेगुलेट एप्स दैट हैंडल वास्ट अमाउंट ऑफ यूजर डेटा। सच अ मूव वॉज श्योरली लॉन्ग ओवर ड्यू। ओवर ड्यू था ये, क्यों? ये ओवर ड्यू क्यों कह रहे हैं वो? इसलिए कह रहे हैं समथिंग दैट हैज नॉट हैपन्ड फॉर लॉन्ग। कोई काम जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था और अब तक नहीं हुआ है, वैसा काम जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था और अब तक नहीं है, वो ओवर ड्यू है, उसकी ड्यू डेट बहुत लंबा खिंच चुका है, दैट इज वाई उसको कह रहे हैं ओवर ड्यू। तो ये एक्शन बहुत लंबे समय से ले लेना चाहिए था वो कह रहे हैं, बट अब तक नहीं लिया गया। बट द गवर्नमेंट माइट हैव डन द राइट थिंग फॉर द रॉन्ग रीजन्स। द टाइमिंग ऑफ द मूव कपल्ड विद द फैक्ट दैट इट हैज चोजन टू ब्लॉक द एप्स आउटराइट। इट इज एन एडवर्ब, आउटराइट एक एडवर्ब है। वो कह रहे हैं आउटराइट बैन कर रहे हैं, मतलब उसको कंप्लीटली बैन करने के लिए कह रहे हैं, कंप्लीटली, पूरी तरह से, रादर देन इंश्योर दे वर कंप्लाइंग विद। कंप्लाई वर्ब है, कंप्लाई का मतलब टू सपोर्ट और फॉलो, साथ रहना। टू कंप्लाई विद द लॉ सजेस्ट द बैन इज लेस मोटिवेटेड बाई प्राइवेसी कंसर्न्स देन अबाउट सेंडिंग अ मैसेज टू चाइना अमिड द टेंशन अलोंग द बॉर्डर। आफ्टर ऑल प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स आर नॉट लिमिटेड ओनली टू चाइनीज एप्स। कंसर्न्स अबाउट मैनी ऑफ दीज एप्स आर हार्डली न्यू, एंड मूव टू ब्लॉक देम कम्स आफ्टर दीज एप्स हैड ऑलरेडी अमास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स इन इंडिया। अमास मीन्स गैदर्ड, इट्स अ वर्ब, गैदर्ड इकट्ठा करना। वो कह रहे हैं अब ये कब आ रहा है ये जजमेंट, जब ऑलरेडी वो मिलियंस ऑफ यूजर्स इन इंडिया को एक गैदर कर चुके हैं, एकत्रित कर चुके हैं, तब ये आ रहा है, राइट? तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि उन्होंने सही चीज़ किया है पर गलत रीजंस के लिए, दैट इज वाई। देखो पहला स्टेटमेंट इस पैसेज का क्या है, बट द गवर्नमेंट माइट हैव डन द राइट थिंग फॉर द रॉन्ग रीजन्स। सो ये इस तरह की बात यहाँ पर आप देख रहे हैं, कितने वर्ड्स हमारे लिए इम्पेंड, सरप्टिशियसली, ओवर ड्यू, आउट राइट, कंप्लाई, अमास, दीज वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट, प्लस द कॉन्टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप देखें किस तरह से सेंटेंस फॉर्म हो रहा है वो भी आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इफ सेंडिंग अ मैसेज अबाउट चाइना इज द मोटिवेशन, द बैन इज मोर सिग्नलिंग दैन सब्सटेंस। वो कह रहे हैं कि अगर चाइना के लिए मैसेज भेजना मोटिवेशन है, तो ये जो बैन लगाया जा रहा है ये मतलब सब्सटेंस, मतलब मीनिंगफुल होने से ज़्यादा ये एक इशारा है, इट इज़ अ सिग्नल टुवर्ड्स समथिंग, इशारा है।
किसी चीज की तरफ। अब किस चीज की तरफ इशारा है वो देखते हैं। सिग्नलिंग यहाँ पर वर्ब है और सब्सटेंस यहाँ पर नाउन है। यहाँ पर तो नाउन है और वैसे सब्सटेंस को आप यूज एनी वेज आप इसको यहाँ पर नाउन की तरह ही यूज करेंगे। इसको हम एडजेक्टिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं। सब्सटैंटिव हो जाता है, तब क्या हो जाएगा? सब्सटैंटिव। इट मे हेल्प द गवर्नमेंट शो द पब्लिक इट इज टेकिंग चाइना ऑन इवन इफ इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन डेटरिंग चाइनीज बिहेवियर ऑन द बॉर्डर। वो कह रहे हैं कि इट गवर्नमेंट को ये दिखाने का मौका मिल जाएगा पब्लिक को कि वो चाइना पर कुछ तो एक्शन ले रहे हैं, जबकि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा जो कि चाइना के बिहेवियर को बॉर्डर पे जो कंट्रोल कर रहा है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। ऑन डेटरिंग वर्ब है, डेटर मतलब डेटर इज अ वर्ब विच मीन्स टू स्टॉप, ठीक है, रोकना चाइना को बॉर्डर पर। विच विल रिक्वायर अ टफ डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री रिस्पॉन्स। द टेंशन ऑन द बॉर्डर एज वेल एज COVID-19 पैंडमिक हैव इग्नाइटेड अ मच नीडेड डिबेट। इग्नाइटेड वर्ब है और इग्नाइट का मतलब होता है टू ब्रिंग फियर्सली और टू अराउज, ठीक है, कोई चीज उत्तेजित करना। दैट इज, तो क्या है, उन्होंने क्या इग्नाइट करा है? डिबेट उत्तेजित कर दी है या फिर उसको सामने ला दिया है, डिबेट को भड़का दिया है, ठीक है, उकसा दिया है। ऑन इंडियाज इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन चाइना, इंडिया रिमेन्स रिलायंट। रिलायंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब है डिपेंडेंट ऑन चाइनीज प्रोडक्ट्स इन सेवरल क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव सेक्टर्स, फ्रॉम सेमी कंडक्टर्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडियंट्स टू द टेलीकॉम सेक्टर, वे चाइनीज वेंडर्स आर इन्वॉल्व नॉट ओनली इन इंडियाज 4G नेटवर्क बट इन ऑन गोइंग 5G ट्रायल्स एज वेल। इंडिया फेसेस टफ चॉइसेस गोइंग फॉरवर्ड इन डीलिंग विद इट्स डीप इकोनॉमिक एम्ब्रेस ऑफ चाइना। इकोनॉमिक एम्ब्रेस, इकोनॉमिक एक्सेप्टेंस ऑफ चाइना। एम्ब्रेस यहाँ पर एक्सेप्टेंस की तरह आया है, नाउन की तरह यूज़ किया गया है, मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, उसको अपना मानना, ठीक है। हिटिंग द डिलीट बटन ऑन सोशल मीडिया एंड गेमिंग एप्स बेली स्क्रैचेज द सर्फेस ऑफ द प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं स्क्रैचेज सर्फेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो वो कह रहे हैं कि ये सब करने से शायद ही कुछ हो, बेरली मतलब शायद ही कुछ हो या प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये ऐप्स को बैन करना, सोशल मीडिया पर से उनको हटा देना, तो इन सब से कुछ नहीं होगा। जो मेजर चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट को देखना होगा और उन पर हमें एक्शन लेना होगा। सो दिस वॉज द एंटायर आर्टिकल। और आप देखिए इसका जो एंड दिया है, अगर आप देखिए तो कितना ब्यूटिफुली उन्होंने उसको, समझ आ रहा है पढ़ने वाले को, समझ आ रहा है ओके आर्टिकल हैज़ एंडेड राइट हियर। सो दिस वॉज द आर्टिकल बेस्ड ऑन द चाइना इंडिया का जो क्राइसिस जो चल रहा है, ठीक है, अमिड दिस पैंडमिक। तो पैंडेमिक में बहुत ही चीज़ें हो रही हैं, आप देखो तो कंट्री लाइक स्टॉप हो गई है बट अदर वे स्टॉप नहीं भी हुई। अगर आप देखें तो वर्ल्ड में चीज़ें चल रही हैं, किसी कहीं पर इकोनॉमिक लेवल पर टेंशन है, कहीं पॉलिटिकल लेवल पर टेंशन है, कहीं फाइनेंशियल। सो देर आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग ऑल अक्रॉस। नाउ फॉर यू द थिंग दैट इज हैपनिंग इज दिस, स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज वोकैबुलरी वर्ड्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सून विद मोर वर्ड्स एंड अ न्यू आर्टिकल। And do not forget to subscribe the channel to have regular sessions and hit the like button for this video for giving me motivation. Thank you so much, learners.